हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लासिक बंगाल पे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं टीच 14 पे ड्रैगन राइडर के साथ बैट स्पेल, तो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं अटैक स्ट्रेटजी को, वो देखिए आप वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। तो मिलते हैं वीडियो में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग अटैक स्ट्रेटजी को एक बार देख लेते हैं। तो बेस लेआउट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बेस लेआउट है और उतना ही हमारा स्ट्रेटजी भी पावरफुल होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले स्निकी गॉबलिंस के साथ यहाँ पे साइड बिल्डिंग्स को टेक डाउन कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा कि स्निकी गॉबलिंस के साथ हम लोग टाउन हॉल को यहाँ पे टेक डाउन करेंगे। तो पहले तो ये स्टोरेज को हम लोग टेक डाउन कर लेंगे, उसके बाद एक टेस्टिंग स्निकी गॉबलिन डालेंगे जिससे कि टाउन हॉल के पास कोई भी ट्रैप्स हो, कोई भी बॉम्ब वगैरह हो तो वो ट्रिगर हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्मॉल बॉम्ब यहाँ पे ट्रिगर हो गया है। अब सारे के सारे स्निकी गॉबलिंस को यहाँ पे डाल देंगे और इनविजिबिलिटी स्पेल यहाँ पे डाल देंगे बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे टाउन हॉल टेक डाउन हो जाएगा इजीली। तो अब हम पीछे की साइड से अटैक स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा फनल क्रिएट कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ईटीस एंड बेबी ड्रैगन की मदद से यहाँ पे फनल क्रिएट कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे वॉल को ब्रेक कर देंगे और सारे के सारे ट्रूप्स यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे, साथ में लॉग लॉन्चर को डिप्लॉय कर देंगे। हमारा सेकेंड टारगेट ये रहेगा कि हमारा ये स्किल स्क्वाड के साथ हम लोग दोनों के दोनों स्कैटर शॉट सारे के सारे इन्फर्नोस यहाँ पे टेक डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बैट स्पेल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा फनल बन चुका है और यहाँ पे आप हम लोग वार्डन की एबिलिटी दबा देंगे। तो एक साइड से आप आएगा रॉयल चैंपियन और दूसरी साइड से यहाँ पे ड्रैगन राइडर्स आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रॉयल चैंपियन आ चुका है इस साइड को स्कैटर शॉट निकलने के लिए। तो दूसरी साइड से हम लोग यहाँ पे ड्रैगन राइडर्स को डिप्लॉय कर देंगे। तो यहाँ पे ड्रैगन राइडर्स भी आ चुका है। तो देख सकते हैं अटैक बहुत ही पावरफुल चल रहा है। तो यहाँ पे मिडिल में देख सकते हैं लॉन्ग लॉन्चर यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है और लॉन्ग लॉन्चर के अंदर से यहाँ पे ईटीस आ चुका है। तो ईटीस यहाँ पे ईटीस को हम लोग यहाँ पे रेज कर देंगे जिससे कि ये सिंगल टारगेट इन्फर्नोस और सारी के सारी यहाँ का जो ट्रैश बिल्डिंग्स है वो टेक डाउन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं बेस पे ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो ये स्कैटर शॉट, एक स्कैटर शॉट हमको यहाँ पे नहीं मिला, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास यहाँ पे 5 3 स्पेल है एंड 6 बैट स्पेल है। तो बेस पे ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे बैट बॉम्ब स्टार्ट कर देंगे स्कैटर शॉट के ऊपर से। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैट स्पेल आ चुका है। तो सामने एक विजर टावर है जिसको हम लोग फ्रीज कर देंगे। तो हमारे पास अभी भी 4 फ्रीज स्पेल है, तो हम लोग फ्रीज करते रहेंगे इस विजर टावर को। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और बार फ्रीज कर दिया और यहाँ पे एक और फ्रीज आएगा। तो देख सकते हैं बेस ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे क्वीन अभी भी जिंदा है और हमारे पास 2 फ्रीज स्पेल है जो कि स्वैग हो चुका है। तो यहाँ पे जो विजर टावर एक बचा है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोल के ऊपर बिजी है, तो हम लोग को यहाँ पे कोई भी स्पेल इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो विजर टावर भी गया और ओपोनेंट के किंग भी यहाँ पे गया, तो बेस ख़त्म है, बेस यहाँ पे 3 स्टार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अटैक यहाँ पे कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।